केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। हम लोग चौसा प्रखंड में, मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड में है, नेशनल हाईवे है। यहाँ पर कल रात में एक चार बजे से पाँच बजे के बीच में एक दुर्घटना घटी है। वो एक दुर्घटना बहुत ही दुखद एवं दंडनीय है। ऐसी घटना जो एक चालक, बाइक चालक की उस दुर्घटना में मौत हो जाती नेशनल हाईवे पर, लेकिन दिन के 12 बजे उसके अगले दिन 12 बजे तक कोई प्रशासन सूद लेने के लिए अभी तक नहीं आई। इनका मांग है, इन्होंने चक्का जाम किया, इनका मांग है प्रशासन हमें मुआवजा दे और इनको मिलना चाहिए। एक जो आपदा कोष से जो पैसा मिलता है वो मिलना चाहिए, इनका डिमांड। आइए जानते हैं इन लोगों से इनके क्या दुख, क्या दर्द है, क्या दुख है। मैं लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मुनव्वर हुसैन, दलितों के पार्टी के हम दुख क्या है ये बोलिए। दुख यही है, छोड़िए, दुख क्या है? दुख यही है कि एक दलित बेसहारा बच्चे का मौत हुआ है और उसका संज्ञान लेने कोई बड़ी पदाधिकारी घटनास्थल पर अभी तक नहीं आया। चलिए, दुख इस बात का है। क्या घटना घटी है, कैसे घटना घटी है? ये जो है सर, यहाँ मेरे सरकार का पर्चाधारी जमीन मिला है बिनवा जी का। मैं दलित हूँ, इस दलित को, बच्चा को टक्कर कर दिया। आज तक सरकार का मेरा बच्चा को कोई नहीं देखने वाले, ये प्रशासन भी नहीं आया कि यह घटना कैसे हुआ, इसका कैसे हम ले जाएंगे मधेपुरा। चलिए, सरकार से क्या मांग है? सरकार का मांग करिए, राजनीति नहीं, सरकार का मांग। मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि ये SH-58 जो है, इस सड़क पर बारंबार यहाँ के ग्रामीणों का हाथ लहू से लुहान हो चुका है, लाशों को उठाते उठाते। जो घटना घटी है उस पर आपसे सरकार से या जिला प्रशासन से क्या मांग? मैं विभागीय अधिकारी एवं सरकार महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो दलित परिवार के बच्चे हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हम चौसा प्रखंड के थाना अध्यक्ष को चाहते हैं सस्पेंड किया जाए या यहाँ की पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, अभिष रंजन मुर्दाबाद, अभिष रंजन मुर्दाबाद, थाना अध्यक्ष बदली करो, थाना अध्यक्ष बदली करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद करो। सरकार और थाना प्रभारी दोनों, सरकार के कोई नामुंदे जैसे BDO हो, CO हो आना चाहिए था, शायद इलेक्शन में व्यस्त होने के कारण हो या जैसी भी बात हो, लेकिन इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए किसी भी हाल में। और विभागीय पदाधिकारी जो भी यहां पर आए हैं उनसे निवेदन है कि इनकी प्रक्रिया करें और इनको विभागीय जो भी कार्रवाई है करने का कष्ट करें। अब बात करेंगे यहाँ के जो भी प्रशासन आए उनसे पूछते हैं आखिर क्या कहना है उनका। धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।